हेलो, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रूल अपडेट किया है जहां पे फेक रिव्यू से रिलेटेड एक न्यू रूल एप्लीकेबल किया है जो 25 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस रूल के हिसाब से कंपनीज, जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचती है, दैट इज अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट पे, इको स्पॉन्सर्ड रिव्यूज या और ओरिजिनल रिव्यूज को बाइफिकेट करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिव्यूज प्रोडक्ट के होते हैं वो सारे जेन्युइन नहीं होते, उसमें कोई भी ऑफर्स के बदले होते। जिस ऑफर्स के बदले, जिस डिस्काउंट के बदले, आपको कंपलसरी 5 रेटिंग या फिर रिव्यू सबमिट करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर एज अ यूजर मुझे स्पॉन्सर्ड रिव्यू और जेन्युइन रिव्यू में अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? वो बेसिकली वो क्रिटिकल कॉमेंट्स में आपको दिखाई देगा जहाँ पे अगर कोई भी तरह के इश्यूज है तो वो जेन्युइन रिव्यूज होते हैं। एंड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फ्रॉम 25 नवंबर 2020, ऑल द कंपनीज हैव टू अपडेट द स्पॉन्सर्ड रिव्यूज एंड जेन्युइन रिव्यूज। ये गवर्नमेंट अपडेट क्यों आया है? क्योंकि एज पर द डेटाबेस मोर देन 12,000 करोड़ की जो शॉपिंग हुई है वो रिव्यूज के बेसिस पे होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिव्यूज है उसमें जेन्युइन रिव्यूज एंड स्पॉन्सर्ड रिव्यूज को वो बाइफर्केट कर सके। इनफैक्ट अमेजोन ने तो वन कंपनी पे केस भी फाइल किया था जहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई किया कि एक फेक रिव्यू के बेसिस पे कंपनी की सेल एक्सपोनेंटली इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उसकी सेल इंक्रीज हुई और बाद में फिर कस्टमर की कंप्लेन आने लगी। तो इसीलिए अमेजोन कंपनी ने उस पर्टिकुलर कंपनी पे केस भी किया था। इसीलिए एज अ यूजर मुझे कोई भी शॉपिंग करनी या प्रोडक्टिंग करनी, ऑनलाइन शॉपिंग करनी, तो उसमें मुझे एक्चुअल रिव्यूज एंड क्रिटिकल रिव्यूज को भी रीड करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ। इसलिए एज अ यूजर मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उसके सारे ऑब्जर्वेशन, उसमें से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलो चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि आप किस तरह से आप अमेज़न के कोई भी, किस तरह से आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को चेक कर सकते हो। सो क्विकली आई एम ऑन अमेज़न वेबसाइट जहाँ पे मुझे ये फायर स्टिक टीवी मुझे रिव्यू करना है। सो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना था, आई एम गोइंग ऑन दिस प्रोडक्ट। ओके, नॉर्मली आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो। यहाँ पे आपको यू कैन सी ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, यू आर राइट देयर, यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस पे जाना है, बेसिकली रिव्यूज पे। ठीक है, तो आप रिव्यूज पे क्लिक कर सकते हो। रिव्यूज पे यहाँ पे आपको रेटिंग दिखेगी, 67% 5 रेटिंग, 20% लोगों ने 4 रेटिंग दिया है। ओके, क्वालिटी वगैरह, टॉप रिव्यूज आपको यहाँ पे टॉप रिव्यूज दिख रहे हैं जहाँ पे ये वेरीफाइड परचेज तो है बट सारे टॉप रिव्यूज है। मुझे इसमें बेसिकली मुझे जानना है कि ये जो रिव्यू है वो क्रिटिकल रिव्यू है कि नहीं। सो यहाँ पे आपको लिखेगा कि सारे मोस्ट रीसेंट टॉप रिव्यूज ही होते हैं, बट आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यू हैव टू कम एट द एंड। ओके, एंड सी ऑल रिव्यूज पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन सी ऑल रिव्यू एंड देन यू विल गेट दिस क्रिटिकल रिव्यू। ऑल क्रिटिकल रिव्यूज में आप देख सकते हो देर आर प्रॉब्लम्स, देर आर पीपल हैव शोन द डिसअपॉइंटमेंट। जहाँ पे आपको दिख रहा है इस रिमोट में सिस्टम लोकल टीवी पर काम नहीं कर रहा है, उसके बाद आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर अपग्रेडेड वर्जन। ओके, ये सारे 3.5 रेटिंग है। टॉप पेज पे आपको वो गुड रेटिंग दिख रहा था बट यहाँ पे जो कोई कंप्लेन है, कोई इश्यूज है, जो कंसर्न्स है वो आपको दिख रहा है। सो ऑलवेज सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर क्रिटिकल रिव्यूज। आपको यहाँ पे ऑल क्रिटिकल, 5 स्टार 4 स्टार में नहीं, आपको ऑल क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में जाना है जहाँ पे एग्जैक्टली आपको उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको चेक करना है, ऑनलाइन करना है, तो आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में जाइए। ये था ऑल ओवर फेक रिव्यूज के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको न्यू गाइडलाइंस के बारे में बताया, आप किस तरह से ऑनलाइन कम्प्लीटली रिव्यू चेक कर सकते हो और आपको किस तरह से एज अ बायर आपको सावधानी रखनी है, ये भी मैंने टिप बताई है। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।